क्या माहौल है ये देखो, झांकी वगैरह भी निकाले हैं महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का। और ये देखिए पूरा कांवड़िया लोग, आज तो ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। पूरा डीजे के साथ निकाला गया है। तो ये है झलमला चौक है, ये वाला जो रूट है ना वो दुर्ग के लिए जाता है, और ये वाला जो रूट है बालोद के लिए, और ये जाएगा अंदर अंदर धमतरी के लिए बस। तो इसी वाले जो रूट है ना, इसी के अंदर अपने को चलना है भोला पठार के लिए। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं भोला पठार, यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोला पठार। मस्त सुंदर से ये बना दिया। जय महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित देवांगन में आप सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी सुबह का टाइम हुआ है 8:05 और आज मैं जाने वाला हूँ बालोद। तो बालोद का जो प्लान था ना आज से 15 से 20 दिन पहले का था, लेकिन घर में काम की वजह से थोड़ा सा मैं नहीं जा पाया हूँ। तो आज फाइनली आज जा रहा हूँ। पे बहुत सारे जो है पिकनिक स्पॉट है। अभी बारिश का जो है समय चल ही रहा है आप लोग को पता है। तो वहाँ पे सिया देवी जो है वाटरफॉल है, तांदुला डैम है, और आसपास जो भी वाटरफॉल होगा उसको भी अपन कवर करेंगे। वैसे 4-5 जो लिस्ट है वो बना के रखा हूँ। और सुनने में भी ये आ रहा है कि अभी वहाँ पे 25 से 26 तारीख से जो है पंडित प्रदीप मिश्र जी का जो है शिव महापुराण कथा जो है स्टार्ट होने वाला है। तो उसको भी अपन देख लेंगे कि वहाँ पे सजावट हुआ है नहीं हुआ है। प्रदीप मिश्र जी का जो कथा स्टार्ट होगा उस दिन भी जाएंगे और आप लोग को दिखलाएंगे, नाश्ता करेंगे, और फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट में अपन निकल जाएंगे। तो डायरेक्ट आप लोगों को मैं बाइक में मिलूंगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ बालोद। बालोद में भी बहुत सारे जो है पिकनिक स्पॉट है उसको कवर करेंगे और देखते हैं कितना कवर हो पाता है। वैसे तो मैं लिस्ट बना के रखा हूँ 4-5। अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, बस ये भिलाई 3 का जो चौक है ना सिरसा, वहाँ पे पहुँचा हूँ। और यहाँ से मुझे सीधा सीधा ही जाना है। मैं जाऊँगा सोमनी, मोरिद, ढूंढेरा और ऊँताई होते हुए सीधा निकलूँगा अंडा गाँव। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ढूंढेरा गांव में। ये गांव का खाली जगह जहां पे लोग जो है क्रिकेट है खेलते रहते हैं, ये है मिनी माता चौक। यहां से अपने को लेना है राइट, यहां से फिर 10 किलोमीटर अंडा है, और ये यहां से होता है लास्ट मुतई। पर बोर्ड पर लिखा हुआ है जो बालोद है वो 45 किलोमीटर, गुंडरदेही 13 किलोमीटर, दुर्ग यहाँ से 13 किलोमीटर। और अभी जो रोड का जो काम है ना वो चल रहा है अभी। टाइम लगेगा अभी। मस्त देखो चौड़ीकरण हो रहा है यहाँ पे, सब बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं अभी। अभी टाइम हुआ है 9। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गुंडरदेही, यहाँ से अराउंड लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। तो अभी हम इंटर हो रहे हैं गुंडरदेही में। जैसे सिटी के अंदर आओगे ना तो भीड़ भाड़ थोड़ा चालू हो ही जाता है। अभी मस्त खाली था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिला। रेलवे स्टेशन गुंडरदेही, यहाँ से 1 किलोमीटर है स्टेशन। ये है गुंडरदेही का बस स्टैंड, यहाँ पे बस ये जा रहा है बालोद, बालोद दल्ली राजरा। फिर अपन रुकते हैं कुछ देर, फिर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यहाँ पे जोधपुर मिष्ठान भंडार, और यहाँ पे न्यू जलाराम स्वीट्स से अगर चाय वगैरह पीना है तो आप यहाँ पे पी सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं। नाश्ता तो वैसे मैं करके आया हुआ था घर से, और अभी मैं चाय पिया हूँ। बस चाय पीकर अभी निकल रहा हूँ सीधा बालोद के लिए। मणिलिंग शिव महापुराण कथा, तो यहाँ से आप जा सकते हैं गाइस। ये देखिए माँ शीतला सेवा समिति बालोद, बड़की भाड़ से होते हुए आप जा सकते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं झलमला। कांवड़ यात्रियों का देखो यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है। ये नदी है और वहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है।
और सामने में है भगवान शिव जी का मूर्ति है, वहाँ पे सब लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पे जल भी चढ़ा रहे हैं। हम लोग गए हुए थे बालोद, बालोद से अब जा रहे हैं झलमला, झलमला से अब जाएंगे सीधा भोला पठार के लिए। और मैं शुरू में बोला था सिया देवी जाएंगे ऐसा करके, लेकिन सिया देवी जो है बाद में जाएंगे, तो सबसे पहले चलते हैं भोला पठार। और भोला पठार कैसे जाएंगे वो आप लोग को आगे बताएंगे। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है नज़र ही आ रहा है, क्या माहौल है। ये देखो झांकी वगैरह भी निकाले हैं महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का। और ये देखिए पूरा कांवड़िया लोग, आज तो ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे, पूरा डीजे के साथ निकाला गया है। तो ये है झलमला चौक है, ये वाला जो रूट है ना वो दुर्ग के लिए जाता है, और ये वाला जो रूट है बालोद के लिए, और ये जाएगा अंदर अंदर धमतरी के लिए बस। तो इसी वाले जो रूट है ना इसी के अंदर अपने को चलना है भोला पठार के लिए, और ये वाला रूट जाएगा दुर्ग के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आना होता है। तो ये देखिए ये नहर, यही वाला जो नहर है ना, मतलब पूरा भिलाई स्टील प्लांट गया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जगदलपुर कोंडा गांव रायपुर कांकेर कुरु धमतरी, धमतरी यहाँ से 40 किलोमीटर। ये क्या जमुरवा गांव करके लिखा हुआ है, एक से गांव का नाम है इधर। तो ये देखिए इंडियन गैस, ये लिखा हुआ है सामने जमुरवा। जगह का नाम जो है मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा ताकि आप बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप दुर्ग भिलाई से आते हैं तो सबसे पहले आप झलमला जो चौक है ना वहाँ से आप लेफ्ट लीजिएगा, और ये वाला रूट जो जाएगा धमतरी वाला रूट, तो इसी रूट में आना है कन्नेवाड़ा, कन्नेवाड़ा जगह का नाम लिखा हुआ है। आप देखना है कहाँ से मुड़ना है, यही आसपास से मुड़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम कन्नेवाड़ा, और यहीं पे है करहीबधर, हम लोग आगे चले गए थे, और ये बोर्ड है ये लिखा हुआ है ग्रामवासी कन्नेवाड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो इसी रूट से अपने को निकलना है सीधा, बस जाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग 100 मीटर आगे चले गए थे, तो ये कन्नेवाड़ा से बस आपको राइट लेना है अगर आप झलमला से आते हैं तो। अब देखते हैं यहाँ से कितना दूर है भोला पठार। हाँ ठीक है चलो, पूछ लिया कम से कम सही रास्ते में आए हैं। बोर्ड में तो कुछ नाम ही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ पहले लिखा हुआ था, अभी हल्का हल्का जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है भोला पठार, जाने का रास्ता यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। अरे पीछे आ जाओ, सीधा आ रहा। हाँ तो ये वाला रास्ता गया ना इधर से बोल रहा है। पता गली सीधा, मैं इधर आ गया हूँ ये सामने वाला चौक से। तो आप तो स्पीड चला रहे हो ना। अच्छा, उधर से हो रहा? अरे इधर तो है ना भाई शॉर्टकट ही आ रहे, तो खैर उधर से भी अगर रास्ता तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो आ रहा हूं, रुको कहां पे रहा। ये जो पीला वाला जो बोर्ड था ना, हाँ हाँ आ रहा हूं। अरे तो उसी तरफ उधर भी अगर रास्ता तो पूछ लो ना, शॉर्टकट होगा वहीं पे जाके मिलेगा। यहाँ से है बोला है, सीधा है बोल रहा। हाँ तो ठीक है आ जाओ वहीं पे मुलाकात करेंगे रास्ते में। हम लोग भी पूछते आ रहे हैं, वैसे मैप जो है मैं लगाया हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पूछना ज़रूरी है। यहाँ पर भी कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, चलो इधर ही चलते हैं। पूछते आ रहे हैं। हाँ 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 जैसा भी हो आप पहुँचो, मैं पहुँचने वाला हूँ। हाँ ठीक है ना। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं भोला पठार, यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल भोला पठार, आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। ये देखो आज सावन का महीना चल रहा है, और यहाँ पे आज सोमवार का दिन है करके यहाँ पे भीड़ है। ये मस्त बना दिया है फुहारे। बस बाइक यहीं पे रखते हैं अपन। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं भोला पठार, ये है पार्किंग स्थल है, आज है सोमवार का दिन है इसलिए यहाँ पे जो है भीड़ जो है नज़र आ रहा है। अभी मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ इसीलिए रुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पूजा वगैरह भी चल रहा है, तो आप लोग को दिखलाएंगे यहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर भी है,
बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग आते हो तो झरमला से लगभग वही 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे पब्लिक पहुँचे हुए हैं, अभी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे गुपचुप चाट अगर खाना चाहते तो आप खा सकते हैं। यहाँ पे नारियल अगर अभी अगर लेना चाहते तो आप नारियल खरीद सकते हैं। ये देखिए मस्त सुंदर से ये बना दिया है फाउंटेन, और शहर से भी आप जा सकते हैं। इसको अगर पार करके अगर जाना है तो आप पार करके भी जा सकते हैं। कांवरिया सब आए हुए हैं यहाँ पे। चलिए आपको आगे दिखलाएंगे, और कुछ दूर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, लगभग मेरे ख्याल से 50-60 सीढ़ी ही होंगे। तो यहाँ से अपन चलते हैं, और दोस्त का वेट मैं कर रहा था, वो सिया देवी चला गया है। चलो ठीक है, वहाँ से आ जाएगा फिर यहाँ का वीडियो बनाएगा वो। और लगभग यहाँ पे करीब करीब 50 से 60 सीढ़ी होंगे, या उससे भी कम हो सकते हैं। मैं एक अंदाज़ा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले टाइम आया हुआ था ना, तो मुझे उस टाइम का पता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ऊपर में देखते हैं कितने भीड़ है। वैसे तो आज सोमवार का दिन है और सावन का मंथ भी चल रहा है, तो अधिकतर यहाँ पे आपको कंवरिया भाई लोग और आसपास के जो लोग हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आते ही हैं। यहाँ पे नल का पॉइंट दिया है, लेकिन यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आप आते हैं ना तो स्वयं पानी लेकर आइएगा यहाँ तक, क्योंकि पानी की व्यवस्था नीचे में तो है ही नहीं। हम लोग लाए हुए थे कैसे भाई लेकर चला गया। ऊपर में अच्छा माहौल ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो है पूजा वगैरह चल रहा है। और देखिए आसपास पूरे घने जंगल है। यहाँ पे सीजन में ही ज़्यादातर भीड़ रहता ही है। अभी देखो सावन का महीना है, इस कारण से महाशिवरात्रि में आओगे ना तभी आपको यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगा। बाकी जैसे छुट्टी के दिन है, शनिवार या रविवार, उस दिन मिलेंगे। ये देखो, और ये सिर्फ देखो मोटर वगैरह लगा हुआ है, ऊपर तक पानी पहुंचाया हुआ है। कहाँ से हो दाई? कहाँ से हो? जगतरा से। आप दादा? एक ही फैमिली ना। चलो रुक जाओ कुछ देर, हम लोग भिलाई से। तो थकावट लग गया, अपन कुछ देर तक आराम किए हैं। और ये देखिए सीढ़ी में भी पूरा काई जमा हुआ है। यहाँ भी अगर प्रसाद लेना चाहते हो ऊपर में, तो प्रसाद अगर ले सकते हो चढ़ाने के लिए। ये देखिए नीचे में भी था, ज़्यादा इंस्टॉल नहीं लगा हुआ है, नीचे में एक ही था और ऊपर में यहाँ पे। चलिए नारे लेते हैं। चलो यहाँ पे ये देखिए पूरा लाइन लगे हुए इस साइड में, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं इस तरफ, और उस साइड भी सब बैठे हुए हैं। और मेन जो मंदिर है वो है, देख रहे हो, लाइन लगाना पड़ेगा। अंदर चलेंगे क्या? बताओ आप मेरे को, वीडियो बनाना है तो चलो, नहीं जाना। हाँ टाइम लगेगा। बाकी आसपास का जो एरिया है आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, और मेन मंदिर यही है। हाँ आरती वगैरह चल रहा है ना, ये देखो सब लोग इंतजार कर रहे हैं अभी। जय महादेव, महादेव, महादेव का नारा है। सभी हम लोग है मंदिर के जस्ट सामने में, अभी जो है आरती वगैरह चल रहा था, इसलिए यहाँ पे भीड़ हो गया था। धीरे धीरे जो है अंदर जाते जा रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे काम देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोग को जो है भगवान शिव जी का दर्शन कराते हैं। नारा जो है लगाया जा रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, पुरुष लाइन से अभी चलेगा।
यहाँ पे भी देखिए ये भगवान शिव जी हैं यहाँ पे। फिर बढ़ गया इसलिए एक तरफ का जो दरवाज़ा है उसको अभी बंद किया हुआ है और उस साइड जाने के लिए बोल रहा है, तो अपन उस साइड अपन चलेंगे। कुछ लोग तो यहाँ से भी जा रहे हैं। भगवान शिव जी और यहाँ पे सभी लोग पहुँचे हुए हैं और जो है यहाँ पे जल चढ़ाया जा रहा है, पूजा भी किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग सब नए कपड़े पहनने लग गए हैं, तो जल चढ़ाने का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं देखा जाए यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जय भोलेनाथ। दर्शन हो गया, अपन बाहर निकलते हैं। गाइस तो अभी हम लोग गए हुए थे मंदिर के अंदर में भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए, दर्शन तो हो पाया है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था और यहाँ पे छोटे बड़े करके बहुत सारे जो है मंदिर है उसको आप लोग को दिखलाते हैं और यहाँ पे श्रद्धालु लोग पहुँचे हुए हैं। इधर भी अपन चलेंगे, सबसे पहले इस मंदिर में अपन चलते हैं। ये देखिए ये है माता जी का मंदिर है, चलिए कौन से माता आप लोग को दिखलाते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ जो है शेर है, ये देखिए। चलो तो गाइस यहाँ पे वहाँ दुर्गा जी की जो है मूर्ति रखी हुई है, तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन करिए। आगे बढ़ते हैं, ये साइड अपन चलेंगे और यहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे भी है भगवान शिव जी के जो है मूर्ति है शायद, या शिवलिंग है, उसको आप लोग को दिखलाते हैं। और ये क्या है, कौन सा ये, और ये कौन सा भगवान की जो मूर्ति है वो मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे घने जंगल है और यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है शिवलिंग और यहाँ पे सब लोग जो है जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो पास से आप लोग को दिख जाते हैं गाइस। तो गाइस ये है नागनाथ और यहाँ पे है शिवलिंग भगवान। तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन करिए। चलिए यहाँ पे माता जी का दर्शन भी कर लिया, साथ साथ में आप लोगों को भगवान शिव जी के यहाँ पे दर्शन भी कराए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो सेवा का काम चल रहा है, खाना पीना जो है यहीं पे होगा, भंडारा का व्यवस्था भी किया हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये जो है नया तैयार किया गया है, पता नहीं क्या चीज़ है, आप लोग को पास से दिखाएंगे। यहाँ पे स्थापना किया क्या, पहले नहीं था ना यहाँ पे? अच्छा अच्छा, लॉकडाउन के पहले तो नहीं था शायद मेरे ख्याल से। तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन करिए। पूरा आज माहौल है क्योंकि आज है सोमवार और यहाँ पे भी देखिए ये बनाया जा रहा है, यहाँ पे मंदिर है क्या बनाया जा रहा है कोई आइडिया नहीं है अभी हम लोग को। ये देखिए यहाँ पे भी माता जी के कुछ मूर्ति है यहाँ पे,
और यहाँ पे सब फोटोग्राफर जा रहे हैं यहाँ पे और मस्त जगह है यहाँ पे रहने के लिए कांवड़िया के लिए यहाँ पे सब व्यवस्था भी है यहाँ पे। फिर जलाभिषेक का विशाल कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। मैं निवेदन अपेक्षित है, हम अपेक्षा रखते हैं समस्त यहाँ पर सदुपयोग कीजिएगा और पुण्य अर्जन कीजिएगा अपने जीवन में। विशाल मंदिर का निर्माण इसके लिए किसी प्रकार से शासन की ओर से सांस्कृतिक मंच यहाँ पे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। चलिए पास से आप लोगों को दिखलाते हैं यहाँ पे क्या चीज है और यहाँ पे भी मस्त आराम से बैठ सकते हैं फैमिली के साथ घूमने के लिए। देखिए गाइस ये है कुंड, कुंड में पानी भरा हुआ है, बोलते हैं कि भीम पाँव है ऐसा करके बोलते हैं। ये देखिए माता जी यहाँ पे भी आप देखिए खाने पीने की जो चीज़ें है यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और सामने में जो है सेवा गीत वगैरह चल रहा है यहाँ पे, देखो हैंडपम्प यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। ये देखिए मस्त पार्टी पी सकते हैं और वहाँ पे देखिए जस गीत वगैरह चल रहा है। तो गाइस मैं पहुँचा हुआ था भोला पठान और भैया से यहाँ पे मुलाकात हुआ है। हम लोग पाटन रवेली ग्राम पाटन से हैं, हम लोग सेवा के माध्यम से भोला पठार घूमने आए हैं। यहाँ भैया ललित देवांगन से मुलाकात हुआ तो हमको अच्छा लगा, साथ साथ हम लोग सेवा भजन भी कर रहे हैं तो भैया भी यहाँ से आया तो अच्छा लगा हम लोग को भी। अरे हमारे ग्राम रवेली का सेवा भजन मंडली के द्वारा सेवा भजन चल रहा है भोला पठार भोलेनाथ के मंदिर में। आप लोग को दिखलाया हूँ भोला पठार, यहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है। तो आज हमारे साथ में आई हुई है घूमने के लिए तो हमारे फैमिली के हैं और साथ में आज हम लोग को घूमने का प्लान बना। बालोद आया था घूमने के लिए, मैं आसपास का जो भी पिकनिक स्पॉट होगा तो अपन कवर करेंगे, फिर यहाँ से अपन घर के लिए निकलेंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।